नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज बात करेंगे हम पार्ट फोर्थ में जो मेडिसिन लेके आए हैं अगली, कि कौन सी मेडिसिन किस अंग पे ज़्यादा प्रभावी है, ज़्यादा प्रभाव दिखाती है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेडिसिन है डोलिकस। डोलिकस स्किन डिजीज पे बहुत अच्छे से काम करती है। बिगर दाने वाली खुजली में डोलिकस बहुत अच्छे से काम करती है, स्किन पे काम करती है। दोस्तों, अगली मेडिसिन है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा रेस्पिरेशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। रिपीटेशन इस मेडिसिन का बिल्कुल भी नहीं है। सिंगल डोज आपने जिस पोटेंसी में ली है 3200, रिपीट ना करें। 5 से 7 दिन आप वेट करें उस रिजल्ट आने का। तो ये ड्रोसेरा रेस्पिरेशन ऑर्गन पे काम करती है। दोस्तों, अगली मेडिसिन है जैल्सीमियम। जैल्सीमियम मेडिसिन ब्रेन पे काम करती है, बैक साइड ओसीपुट पे, मोटर नर्व पे काम करती है, मसल्स, आईलिड्स, विजन, और ये राइट साइड मेडिसिन है जेल्सीमियम, यानी कि टोटल सिर टू, यानी कि अपने स्पाइन ऊपर से नीचे तक जो स्पाइन है उसमें आने वाली किसी भी समस्या से निजात दिलाने के लिए जेल्सीमियम काम लेते हैं। जैसे वटाइग हो सकता है, ठंड ऊपर नीचे हो सकती है, पैरालिसिस की शिकायत हो सकती है, आंखें एकदम प्रॉपर पलके नहीं खुल पा रही, उसमें इस तरीके से इसको काम करते हैं। और राइट साइड मेडिसिन ज़्यादा इफेक्ट दिखाती है। दोस्तों, अगली मेडिसिन है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन ब्रेन सर्कुलेशन हार्ट पे बहुत अच्छे से काम करती है, यानी कि मेनली सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन हार्ट पे बहुत अच्छे से काम करती है। अपने जैसे बीपी बढ़ गया इस तरीके से, गर्मियों में दिक्कतें आ रही हैं, तो उसमें ग्लोनाइन बहुत अच्छे से काम करती है। दोस्तों, अगली मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस स्किन पे काम करती है, जैसे फोल्ड्स पे इरेप्शन आ रहे हों, कान के पीछे, ओरिफिस यानी कि अपने जो ओपनिंग होती है, से ये क्रैक हो रहे हैं, निपल्स क्रैक हो रहे हैं, कोई भी ओपनिंग कान के ये अंदर या पीछे, उसमें ग्रेफाइटिस बहुत अच्छे से काम करती है। दोस्तों, अगली मेडिसिन है हेपरसल्फ। हेपरसल्फ नर्व पे भी काम करती है, कनेक्टिव टिश्यू पे भी काम करती है, रेस्पिरेशन पे भी काम करती है, और मेम्ब्रेन्स यानी कि ग्लैंड इस पे भी ये बहुत अच्छे से काम करती है, यानी ग्लैंड सपोरेट हो जाती हैं उसको सही करने में अच्छे से काम करती है। नर्व यानी कि ठंड गर्मी का एहसास एकदम से जहाँ होता है वहाँ पे हेपरसल्फ काम करती है। दोस्तों, अगली मेडिसिन है हायोसाइमस। माइंड यानी कि ब्रेन और नर्व पे बहुत अच्छे से काम करती है, जैसे अपने साइकोलॉजिकल यानी मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं किसी किसी को, उसमें हायोसाइमस एक हिस्टीरिया पेशेंट के लिए हायोसाइमस जरूर काम में आती है क्लिनिकली प्रैक्टिस में। दोस्तों, अगली मेडिसिन है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम अपने स्पाइन के लास्ट पार्ट पे चोट लग जाती है, उस कारण से किसी भी तरीके की कुछ समस्या आए, झंझनाहट आने लग जाए, तो वहाँ पे अपन हाइपेरिकम मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगली मेडिसिन है इग्नेशिया। इग्नेशिया माइंड नर्वस सिस्टम सेरिब्रो स्पाइनल एक्सिस पे काम करती है, यानी पूरे स्पाइन काम करती है। इसका पेशेंट भी एक तरीके से साइकोलॉजिकल यानी इमोशनली होता है, साइकोलॉजिकल तो नहीं अपन, इमोशनली जिसको फीलिंग्स में ऊपर नीचे हो जाते हैं, किसी भी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है मेंटली, उसमें इग्नेशिया, कोई गहरी चोट लग जाती है उसमें भी इग्नेशिया बहुत अच्छे से काम करती है। दोस्तों, अगली मेडिसिन है इस वीडियो की लास्ट मेडिसिन एपिकाक। एपिकाक डाइजेस्टिव यानी कि स्टोमक पे काम करती है, डाइजेशन खराब हो जाने के उसको हर समय वाकई आती है रहती हूँ। और दूसरा ये है रेस्पिरेशन ऑर्गन यानी कि लंग्स पे काम करती है, इसमें वाकई में अपने और जो वोमिटिंग होती है, म्यूकस आ जाता है, खांसी बनी रहती है, इसमें लग रहा है कि कुछ आएगा आएगा लेकिन वो आता नहीं, और इस तरीके से इसमें रेस्पिरेशन में खरखराहट बनी रहती है। तो उसमें अस्थमा पेशेंट टाइप के जो पेशेंट होते हैं उसमें भी अच्छे से काम करती है। दोस्तों, आज की वीडियो में ये 10 मेडिसिन
ये जो मेडिसिन किस ऑर्गन पे अच्छे से काम करती है, यही मैं बता रहा था कि इस तरीके से यदि कोई प्रैक्टिशनर जो नया नया है अपनी क्लिनिक खोल रहा है, क्लिनिक ओपन कर रहा है, या शुरुआत है उसकी प्रैक्टिस करने की, या घर में जो भाई बुक्स वगैरह देखते हैं होम्योपैथी की, भाई थोड़ा नॉलेज बढ़ा लेते हैं, तो वो अपने नॉलेज के लिए मेडिसिन प्लस ये ऑर्गन्स पे किस तरीके से काम करती है आप यूज कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट आते हैं। यानी कि एक बुक्स की कुंजी बन गई, की बन गई, छोटा सा एक की नोट्स बन जाता है दोस्तों। जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी आगे की मेडिसिन अगली वीडियो में लेके आएंगे। नमस्कार।